तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोग की उर्दू फॉर बिगिनर्स यानी कि UFB का पार्ट 22 है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं दो अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले उर्दू के शब्द। तो जो सबसे पहली चीज़ हम लोग को यहाँ पर समझनी है वो ये कि ए को उर्दू में कैसे लिखा जाता है, ए को और किसी भी अक्षर को ए की मात्रा में हम लोग कैसे बदले, उर्दू का कोई भी लेटर हो उसको ए की मात्रा में हम लोग कैसे बदलेंगे। ठीक, ये सारा चीज़ अगर आप लोग सीख जाते हैं तो इतने सारे शब्दों को आप आसानी से उर्दू में लिख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ए को उर्दू में कैसे लिखा जाता है और किसी भी अक्षर को, उर्दू का कोई भी अक्षर है लेटर, उसको ए की मात्रा में बदलना है तो हम लोग को क्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को क्या बताई हूँ, किसी भी अक्षर को ए की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देते हैं तो वो अक्षर ए की मात्रा में बदल जाता है। अलिफ के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया, ए हो गया, ए, ये ए पढ़ा जाएगा। और किसी भी उर्दू के अक्षर को अगर ए की मात्रा में बदलना रहता है तो उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर बड़ी ए जोड़ देते हैं तो वो ए की मात्रा में बदल जाता है। लेकिन हम लोगों को अब क्या जानना है कि ए की मात्रा में हम लोग कैसे बदलें। तो देखिए जब अलिफ के नीचे जेर लगाकर बड़ी ए जोड़ दे रहे थे तो ये ए की मात्रा में बदल जा रहा था, ए की मात्रा में भी बदलना बहुत ज़्यादा आसान है। बस यहाँ पर अलिफ के नीचे जो जेर लगा रहे थे ना, अब अलिफ के ऊपर आप ज़बर लगा दीजिए और बड़ी ए जोड़ दीजिए तो ये पढ़ा जाएगा अब ए। ये हो गया आप लोगों का ए, अब ये पढ़ा जाएगा ए। ठीक, कोई थोड़ा सा का अंतर है, अलिफ़ के नीचे जेर लगाकर और बड़ी ए जोड़ दीजिए तो ये ए पढ़ा जाएगा, अलिफ़ के ऊपर ज़बर लगाकर और बड़ी ए जोड़ दीजिए तो ए पढ़ा जाएगा, याद रखिएगा। और किसी भी अक्षर को अगर ए की मात्रा में बदलना है तो बस उस अक्षर के ऊपर ज़बर लगा दीजिए और बड़ी ए जोड़ दीजिए तो वो अक्षर ए की मात्रा में बदल जाएगा, सिंपल। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को लिखना है कै, काफ से का होता है और इसको कै बनाने के लिए काफ के ऊपर क्या कर दीजिए, ज़बर लगा दीजिए, जिस तरह अलिफ के ऊपर ज़बर लगा रहे थे और बड़ी ये जोड़ दे रहे थे उसी तरह काफ के ऊपर ज़बर लगाकर और इसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए तो ये कै लिखा जाएगा। अभी जुड़ा नहीं, अभी इन दोनों को जोड़िए तब कै लिखाएगा। ठीक, काफ का आधा भाग उठा लीजिए, मैं आप लोग को बताई ना जोड़ने का आधा भाग उठा लेना है ऐसे 50% भाग, तो ये हो गया काफ। काफ के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग लिखेंगे नहीं। मैं आप लोग को ये भी बात बताई हूँ कि ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है, मन में माना जाता है। तो काफ के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस ये जो बड़ी है ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए तो काफ के ऊपर ज़बर और ये बड़ी ये जुड़कर कै हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको मिटा दूँ और सिर्फ इस तरह लिख दूँ तो देखिए अब इसको आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अब आप लोग को कहीं पर भी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो काफ के ऊपर जब आप लोग ज़बर मान रहे थे तो काफ के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर ये कै पढ़ा जा रहा था, लेकिन अगर मैं काफ के नीचे ज़ेर मान लूँ, ठीक, काफ के नीचे ज़ेर और बड़ी जुड़कर ये तो के भी पढ़ा जा सकता है ना, तो जी बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। आप इसी को के भी पढ़ सकते हैं और इसी को कै भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि हम इसको कब के पढ़ेंगे और कब कै पढ़ेंगे, तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। जब सिचुएशन हो के बोलने की तो के बोलिएगा, जब कै बोलने की सिचुएशन हो तो कै बोलिएगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल देकर आप लोग को समझाती हूँ, ये एक शब्द लिख दी मैं, बताइए इसको क्या पढ़ा जाएगा, आप हमें कमेंट में बताएं। कहीं पर भी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बताएं, बता दिए। अब हमारी बात सुनिए, मीम यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों को ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं ना दिख रहा है। अगर मीम के ऊपर हम लोग ज़बर मान रहे हैं, ये मीम है और ये है, ये नहीं मालूम ये कौन सा ये है, छोटी है कि बड़ी है, क्योंकि दोनों हो सकती है, ये और ये लाम है। ठीक, तो अगर हम लोग मीम के ऊपर ज़बर मान रहे हैं और इस ये को बड़ी ये मान रहे हैं तो मीम के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी अक्षर के ऊपर अभी हम लोग सीखे ना, किसी भी अक्षर के ऊपर ज़बर लगा दो और बड़ी ये जोड़ दो तो ए की मात्रा में बदल जाता है। तो उसी तरह मीम के ऊपर अगर हम लोग ज़बर मान रहे हैं और इसको बड़ी है तो ये हो जा रहा है मैं और लाम से ला, मैल, यानी कि आप इसको क्या पढ़ेंगे, मैल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मैल पढ़िए। लेकिन अगर हम मीम के नीचे ज़ेर मान रहे हैं तो मीम के नीचे ज़ेर और इस ये को बड़ी ये मान रहे हैं तो मीम के नीचे ज़ेर और बड़ी ये जुड़कर ये हो जाएगा मे और लाम से ला, तो आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, मेल भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं है, मेल भी पढ़िए, है ना। लेकिन फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको एक और चीज़ पढ़ा जा सकता है, मीम के नीचे ज़ेर हम लोग मान ले रहे हैं और इस ये को जो हम लोग बड़ी ये मान रहे हैं, अब बड़ी ये मानने के बजाय अगर हम इस ये को छोटी ये माने तो क्या होगा, मैं आप लोग को क्या बताई हूँ, किसी भी अक्षर के नीचे ज़ेर लगाकर और उसमें छोटी ये जोड़ दिया जाता है ना तो वो अक्षर ई की मात्रा में बदल जाती है। तो यहाँ पर मीम के नीचे ज़ेर और इस ये को हम लोग छोटी ये मान रहे हैं तो मीम के नीचे ज़ेर और छोटी ये जुड़कर ये मी हो जाएगा, उसके बाद से लाम से ला, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, मेल भी पढ़ा जाएगा।
ठीक है, तो देख रहे हैं एक ही शब्द को आप मैल भी पढ़ सकते हैं, मेल भी पढ़ सकते हैं और मील भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग का यही सवाल है ना कि कब हम इसको मैल पढ़ेंगे, कब मेल पढ़ेंगे और कब मील पढ़ेंगे। अगर एक जगह ऐसे लिखा हुआ दिख जाए तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे। तो इसका जवाब है कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि आप इसको कब मैल पढ़ेंगे, कब मेल पढ़ेंगे और कब मील पढ़ेंगे। मतलब कोई भी शब्द कब क्या पढ़ा जाए वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन हो मैल बोलने की कि उसमें ज़्यादा मैल है, वो ज़्यादा गंदा है, ठीक, उसमें ज़्यादा मैल है, तो अब उसको उस वक्त आप इसको मैल ही ना पढ़ेंगे या फिर मील पढ़ेंगे कि उसमें ज़्यादा मील है, ऐसे तो नहीं होगा। या फिर उसमें ज़्यादा मेल है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। ऐसे ही ना बोलेंगे कि उसमें ज़्यादा मैल है, ठीक है। तो जब मैल बोलने की सिचुएशन हो तो आप लोग मैल ही बोलिए, मैल ही पढ़िए। और अगर सिचुएशन हो मेल बोलने की तब आप इसको मेल ही बोलेंगे ना कि ये इससे मेल नहीं हो पा रहा है, मेल बोलिए। और अगर सिचुएशन हो मील बोलने की कि यहाँ से कुछ दूरी पर चावल की मील है या फिर चीनी की मील है, जो कुछ भी, ठीक है, तो आप उसको मील ही पढ़ेंगे ना। ऐसे थोड़ा बोलेंगे कि यहाँ से कुछ दूरी पर चावल की मैल है या फिर चावल की मेल है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। ऐसे ही बोलेंगे कि यहाँ से कुछ दूरी पर चावल की मील है, ठीक है। तो किसी भी शब्द को कब क्या पढ़ा जाए वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, नहीं तो आगे पीछे आने वाले शब्दों पर, ठीक है। जैसे कि मैं आगे पीछे आने वाले शब्दों का मतलब क्या, मैं बोल दी कि यहाँ से कुछ दूरी पर चावल की, और लिखा रहे, जैसे कि लिख कर बता दे रही हूँ, कुछ दूरी पर चावल की है, ठीक है, कुछ दूरी पर चावल की, ठीक है। अगर आप इसको मैल पढ़ेंगे तो पढ़कर देखिए तो कुछ दूरी पर चावल की मैल है, तो आगे पीछे आने वाले शब्दों से आप लोग को मालूम चल रहा है कि यहाँ पर मैल नहीं होना चाहिए, मील होना चाहिए, क्योंकि चावल की मैल नहीं, मील होती है। आप लोग का माइंड हंट कर रहा है ना, तो आगे पीछे आने वाले शब्दों से भी मालूम चलता है कि वो शब्द को क्या पढ़ा जाए। कुछ दूरी पर चावल की मील है, ना कि मैल है या फिर ना कि मेल है, पढ़ा क्या जाएगा, इसको मील पढ़ा जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी भी अक्षर को ए की मात्रा में कैसे बदला जाए। क्या करना है आप लोगों को, बस जबर लगा देना है उस अक्षर के ऊपर और बड़ी ए जोड़ देना है, तो वो अक्षर ए की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक। एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। मान लीजिए आप लोगों को है लिखना है, ठीक है, ये मतलब कुछ सामान वहाँ पर रखा है, तो है अगर आप लोग को लिखना हो उर्दू में तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले सोचिए कि ह को उर्दू में क्या कहते हैं। ह को उर्दू में है कहते हैं, और इस है के ऊपर जबर लगा दीजिए, बड़ी ए जोड़ दीजिए, तो ये है पढ़ा जाएगा, ठीक। जोड़िए, हे जो है ना किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है। तो ये देखिए, हे जो है ना अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले ली, ये हो गया हे से ह। इस हे के ऊपर क्या है, ज़बर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, और बस ये जो बड़ी है जाकर इसी ये में ऐसे जुड़ जाएगी, इसी हे में जुड़ जाएगी। तो देखिए, हे के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़ कर ये क्या पढ़ा जाएगा, अब ये इसको आप पढ़ सकते हैं है। तो ये इस तरह लिखा जाता है, ठीक। तो कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो आप लोग समझ जाएगा कि ये है लिखा हुआ है, ठीक। तो इसी तरह का आप लोगों को काम करना है, यही फार्मूला यूज़ करना है, ज़बर लगाकर बड़ी ए जोड़ देने वाला फार्मूला, और इतने सारे शब्दों को आप आसानी से उर्दू में लिख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग फटाफट इन सभी शब्दों को उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। मैं इस सबको मिटा देती हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला शब्द है वो है बैल। बैल को उर्दू में कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहला अक्षर क्या है, बै है, तो सोचिए बौ को उर्दू में क्या कहते हैं। बौ को उर्दू में बे कहते हैं, तो फटाफट लिख दीजिए, बे से तो बौ हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, बै है, यानी कि ए की मात्रा में है, तो ए की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस अक्षर के ऊपर जबर लगा देंगे और बड़ी ए जोड़ देंगे, तो वो अक्षर ए की मात्रा में बदल जाएगा, तो ये बै हो जाएगा। और उसके बाद से अगला अक्षर क्या है, लौ। लौ को उर्दू में लाम कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आसानी से आप लोग बैल लिख लेंगे। देखिए, जोड़ने के लिए बे का आधा भाग उठाइए, फटाफट बे का आधा भाग उठा लिए, बे से तो ब हो गया, बे के ऊपर क्या है, ज़बर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे। ये जो बड़ी ये है ये अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप लेकर आकर बे में जुड़ जाएगी। तो देखिए, बे के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया बै, और उसके बाद से बस ये जो लाम है लॉ ले जाकर चिपका देना है ऐसे पूरा का पूरा। तो देखिए, लाम से लॉ, तो ये हो गया बै और लॉ, बैल, ठीक, कितना आसान। आगे बढ़िए, गैस। गैस में सबसे पहला अक्षर क्या है, गए। गौ को उर्दू में क्या कहते हैं, गौ को उर्दू में गाफ कहते हैं। गाफ से ग हो गया, अब इसको गए बनाने के लिए, ए की मात्रा में बदलने के लिए बस गाफ के ऊपर जबर लगा दीजिए और बड़ी ये जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा गए। और उसके बाद से सौ है, सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, सीन कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट सीन लिख दीजिए, सीन से सौ हो गया, अब जोड़ दीजिए, आसानी से आप लोग गैस भी लिख पाएंगे। देखिए, गाफ का आधा भाग उठाइए फटाफट, गाफ का आधा भाग आप लोग उठा लिए, ठीक। गाफ के ऊपर क्या है,
ज़बर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे। और ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करेगी और शक्ल चेंज करके ऐसा रूप लेकर गाफ में आकर जुड़ जाएगी। तो गाफ के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया गए। और ये जो सीन है पूरा का पूरा ले जाकर इसी में जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया गए और सीन से सा ये हो गया गैस। कितना आसानी से हम लोग गैस भी लिख लिए, ठीक। आगे बढ़िए, अगला शब्द है पैर। पैर में पहला अक्षर क्या है? प। प को उर्दू में क्या कहते हैं? पे कहते हैं। तो लिख दीजिए ये हो गया आप लोगों का पे से प। प बनाने के लिए पे के ऊपर जबर लगाकर और इसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से र है, र को उर्दू में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो देखिए पे का आधा भाग उठाइए फटाफट, पे का आधा भाग उठा लिए। पे के ऊपर क्या है? जबर है, हम लोग मान ले रहे हैं मन में। और उसके बाद से ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप ले लेगी और पे में आकर जुड़ जाएगी। और उसके बाद से ये जो रे है, रे पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे इसी में जोड़ दीजिए। देखिए पे के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया पै और ये हो गया रे से र। तो पै और र, पैर। कितना आसानी से लिख लिए हम लोग। इसी तरह आप लोग को जितना भी शब्द है आप आसानी से उर्दू में लिख पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे, पै और र, पैर, ठीक है। तो कितना आसान है, चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है मैच। मैच में पहला अक्षर मैं, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं? मीम कहते हैं। माँ को क्या कहते हैं? मीम। ये तो मीम से माँ हो गया। मैं बनाने के लिए इसी मीम के ऊपर जबर लगाइए और बड़ी ये जोड़ दीजिए। चौ है, चौ को उर्दू में क्या कहते हैं? चे कहते हैं, ठीक। लिख दीजिए फटाफट, अब इन सबको जोड़िए। मीम का आधा भाग उठाया जाता है, ये बिंदु वाला भाग उठा लीजिए। ये हो गया मीम। मीम के ऊपर क्या है? जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं। और ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज कर कर ऐसे मीम में आकर जुड़ जाएगी। और ये जो चे है पूरा के ऊपर लाकर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए मीम के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर मैं और चे से च, तो मैच। कितना आसानी से मैच भी लिख लिए हम लोग। आगे बढ़िए सैर। सैर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहला अक्षर क्या है? सै। सौ को उर्दू में क्या कहते हैं? सोचिए सबसे पहले। सौ को उर्दू में सीन कहते हैं। ये हो गया आप लोगों का सीन से सौ। और इसको सै बनाने के लिए सीन के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, ठीक। अब इन सबको जोड़िए। सीन का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए इतना, तीन, ये जो तीनों नोकीदार पार्ट है ना इतना ही उठाया जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का सीन। सीन के ऊपर जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं। और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे आकर जुड़ जाएगी सीन में। और उसके बाद से ये जो रे है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो सीन में, सीन के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया सै और रे से र, तो सैर, ठीक। एक चीज़ आप लोग मिला रहे हैं कि नहीं? सब जितना भी हम लोग लिखे लो, बैल, गैस, पैर, मैच, सैर, ठीक, इन सभी शब्द के लास्ट वाला जो अक्षर है ना वो पूरा का पूरा लिखा जा रहा है। देखिए बैल में लास्ट वाला जो ल है, लाम, वो पूरा का पूरा है। गैस में लास्ट वाला जो सीन है, स, पूरा का पूरा है। र पूरा का पूरा है। च पूरा का पूरा है, ठीक। तो ये अगर लास्ट में अगर कोई भी मात्रा नहीं है, ठीक है, जैसे कि बैल में लास्ट में कोई मात्रा नहीं है, गैस में लास्ट में कोई मात्रा नहीं है, तो लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो पूरा का पूरा लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए चैन। चैन में सबसे पहला अक्षर क्या है? चय। च को उर्दू में क्या कहते हैं? चे कहते हैं। फटाफट लिख दीजिए। चे से च हो गया। अब चाय बनाने के लिए चे के ऊपर जबर लगा दीजिए और बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से न है, न को उर्दू में क्या कहते हैं? नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए चे का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट। चे का आधा भाग उठा लिए। चे के ऊपर जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी ये है ले जाकर इसी में ऐसे जोड़ दीजिए। अपना शक्ल चेंज करके जुड़ गई चे में बड़ी ये। उसके बाद से नून है, पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए चे के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर चय और नून से न, चैन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसको चीन भी पढ़ सकते हैं। अगर चे के नीचे अगर आप लोग जेर मानते हैं और इस ये को बड़ी ये मानने के बजाय छोटी ये मानते हैं, तो चे के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर ची और नून से ना, तो आप इसको चीन भी पढ़ सकते हैं और चैन भी पढ़ सकते हैं। मिला रहे हैं? तो अगर आप लोग को सिचुएशन हो चीन बोलने की तो चीन बोलिए, और चैन बोलने की सिचुएशन हो तो चैन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए तैर। तैर में सबसे पहला अक्षर क्या है? तय। तो उर्दू में क्या कहते हैं? ते कहते हैं। ते से त हो गया। उसके बाद से तय बनाना है, ए की मात्रा में बदलना है, तो ते के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए। ते का आधा भाग उठाना है, उठा लीजिए फटाफट। ते के ऊपर क्या है? जबर है, मन में मान ले रहे हैं हम लोग, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे ते में आकर जुड़ जाएगी। और ये जो रे है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, ठीक। तो देखिए ते के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर तय हो गया और रे से र, तो ये हो गया तैर। आप इसको तीर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ते के नीचे अगर आप लोग जेर मान रहे हैं और इस ये को छोटी ही मान रहे हैं, तो ते के नीचे जेर और छोटी जुड़ करती और रेसरा, इसको तीर भी पढ़ सकते हैं, तैर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग का जो लेसन है ना वो हार्ड होते जा रहा है,
ठीक, अब आप लोग जीरो लेवल से शुरुआत किए थे, अब जीरो लेवल से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आप लोग आते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो उसी तरह आप लोगों को माइंड भी चलाना होगा फास्ट, ठीक है। गैर, गैर में सबसे पहला अक्षर क्या है, गाय। तो सोचिए गौ को उर्दू में क्या कहते हैं, तो गौ को उर्दू में गायन कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये हो गया गायन से ग। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, गय बनाना है, तो इसी गायन के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, तो ये गय हो जाएगा। उसके बाद से र, उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए, गायन का आधा भाग कितना उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया गायन से ग। और इसी के ऊपर क्या है, जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करके इस तरह गायन में आकर जुड़ जाएगी, ठीक। और उसके बाद से ये जो र है पूरा का पूरा र रे आकर ऐसे चिपक जाएगा, ठीक। तो देखिए गायन के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर गए और रे से रा, तो ये हो गया गैर। आगे बढ़िए फैन, फैन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फैन, फ है सबसे पहला अक्षर, तो फौक उर्दू में क्या कहते हैं, फौक उर्दू में कहते हैं फे, फे से तो फ हो गया, लेकिन यहाँ पर फ है, फ हम लोगों को बनाना है, तो फे के ऊपर जबर लगा दीजिए और बड़ी ये जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा फ। और न है, न को उर्दू में नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, फे का आधा भाग उठाना है, उठा लीजिए इतना, ठीक। ये हो गया फे, फे के ऊपर क्या है, ज़बर है, मन में मान रहे हैं हम लोग, और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और फे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। और उसके बाद से ये जो नून है पूरा का पूरा लाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो फे के ऊपर ज़बर और ये बड़ी है जुड़कर फै और नून से ना, ये हो गया फैन, ठीक। आगे बढ़िए कैद, कैद में काफ के नीचे जो है ना बिंदु रहेगा, कैद, ठीक है। तो पहला अक्षर क्या है, कै, का को उर्दू में क्या कहते हैं, देखिए नीचे बिंदु वाला का है तो उसको कहते हैं ये वाला काफ, ठीक। ये हो गया काफ से क, लेकिन कै हम लोगों को बनाना है, तो काफ के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, कै हो जाएगा। उसके बाद से द है, द को उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए, काफ का आधा भाग उठाया जाता है, फटाफट उठा लीजिए, ये हो गया काफ के ऊपर क्या है, जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसे आकर जुड़ जाएगी काफ में, ठीक। और दाल है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो काफ के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया कै और दाल से द, तो कैद। कितना आसानी से कैद भी लिख दिए, आप इसको कैदी भी लिख सकते हैं, बस दी बनाने के लिए ई की मात्रा में बदलने के लिए इस दाल के नीचे जेर लगाकर और छोटी ये जोड़ दीजिए, तो ये दी भी हो जाएगा, तो कैदी भी लिख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़िए खैर, खैर में सबसे पहला अक्षर खै, ख उर्दू में क्या कहते हैं, खे कहते हैं, ये हो गया खे से ख। और खै बनाने के लिए खे के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, र है, र उर्दू में रे कहते हैं, ठीक। अब इन सबको जोड़िए, खे का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, ये हो गया खे, खे के ऊपर क्या है, जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी है ले जाकर अपना शक्ल चेंज करके खे में ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक। उसके बाद से ये जो रा है इसको ले जाकर चिपका दीजिए, तो खे के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर खै और रे से रा, ये हो गया खैर। आगे बढ़िए मैल, मैल, ठीक, यहाँ पर मैल लिखना है आप लोगों को, तो पहला अक्षर क्या है, मैं, मौ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, मीम से मौ हो गया, मैं बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दी है। उसके बाद से ला है, ला को उर्दू में लाम कहते हैं, जोड़ दीजिए, मीम का आधा भाग उठाइए बड़ाफट, मीम का आधा भाग उठा लिए। उसके बाद से मीम के ऊपर तो जबर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी मीम में आकर जुड़ जाएगी, बस लाम से ला, ठीक। तो मीम के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर मैं और लाम से ला, मैल, इसको मील भी पढ़ सकते हैं और मेल भी पढ़ सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को बताई, ठीक। आगे बढ़िए जैन, जैन में सबसे पहला अक्षर क्या है, जय, जौ को उर्दू में क्या कहते हैं, जिम कहते हैं, जिम से जौ हो गया। उसके बाद से जय बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, ना है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए, जिम का आधा भाग उठाया जाता है फटाफट उठा लीजिए, जिम के ऊपर क्या है, जबर है, लेकिन हम लोग मन में मान रहे हैं, लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके आके जिम में जुड़ जाएगी और नून जो है पूरा का पूरा ले जाकर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया जिम के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर जय और नून से ना, जैन, ठीक। आगे बढ़िए पैदा, पैदा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर क्या है, पै, पौ को उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं, लिख दीजिए, पे से पौ हो गया, पै बनाने के लिए पे के ऊपर जबर लगाकर और बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से दा है, द को उर्दू में दाल कहते हैं, दा बनाने के लिए दाल में अलिफ जोड़ दीजिए, ठीक। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोगों को, पे का आधा भाग उठाइए फटाफट, ये हो गया पे, पे के ऊपर क्या है, जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे आकर पे में जुड़ जाएगी, ठीक। और ये जो दाल है पूरा का पूरा ले जाकर इसी में जोड़ देना है और दाल में अलिफ जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए पे के ऊपर जबर और बड़ी है जुड़कर पै और दाल में अलिफ जुड़कर दा, तो पै और दा, पैदा। आगे बढ़िए पैसा, जिस तरह पैदा लिखे उसी तरह पैसा लिखिए, बस यहाँ पर स आ गया है ना। तो देखिए पे से प हो गया, पै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दिए। उसके बाद से सा है, सा को उर्दू में सीन कहते हैं, सा बनाने के लिए सीन में अलिफ जोड़ दीजिए, ठीक। पे का आधा भाग उठा लेना है वैसे ही जिस तरह यहाँ पर उठाए थे, पे के ऊपर क्या है, जबर है, हम लोग मन में मान ले रहे हैं, बस ये जो बड़ी है ले जाकर इसमें जोड़ दीजिए,
ठीक। और उसके बाद से ये जो सीन है, सीन का आधा भाग आप लोग को उठाना है इतना, ये तीन ठोनों की धार पाठ, तो एक दो तीन, तीन ठोनों की धार पाठ हो गया ना, तो ये हो गया सीन। और सीन में आप अलिफ ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो देखिए पे के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर पै और सीन में अलिफ जुड़कर सा, पैसा। इस तरह उर्दू में पैसा लिखा जाता है? नहीं, आप लोग के हिसाब से ऐसे पैसा लिखा जाना चाहिए, लेकिन ये जो अलिफ है ना, अलिफ को नहीं रखा जाता है, बस अलिफ की जगह यहाँ पर हे रख दिया जाता है। उर्दू में पैसा होता है न कि पैसा, पैसा नहीं पैसा, ठीक है। तो इस तरह उर्दू में सही तरीके से लिखा जाता है पैसा। तो ये हो गया आप लोग का सही, आप लोग के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उर्दू में ऐसे लिखा जाता है पैसा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, वैसा, वैसा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वाव से वा, ठीक। और वै बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी जोड़ दीजिए, वै हो जाएगा। और सा है, सा को उर्दू में सीन कहते हैं, सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, है ना। अब वाव जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। वाव के ऊपर क्या है? ज़बर है, हम लोग मन में मान ले रहे हैं। और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके वाव में आकर चिपक जाएगी, ठीक। और ये जो सीन है अपना, सीन का आधा भाग ये उठा लीजिए ऐसे, और सीन में अलिफ ले जाकर जोड़ दीजिए। तो देखिए वाव के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर वै और सीन में अलिफ जुड़कर सा, वैसा। देखिए ये वैसा इस तरह लिखा जाता है, ठीक। अब जैसा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जिस तरह वैसा लिखे उसी तरह जैसा लिख दीजिए। यहाँ पर सिर्फ जय आ गया है ना, तो देखिए जीम से जा होता है। जय बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, जय हो जाएगा। और सा है, सीन, सा को उर्दू में सीन कहते हैं, सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। जिम का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, जिम का आधा भाग उठा लिए, और जिम के ऊपर ज़बर तो है ही है, बस ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करके आके और इसी जिम में से जुड़ जाएगी। और सीन का ये नुकीदार पार्ट उठा लीजिए फटाफट आधा भाग, ठीक, और अलिफ जोड़ दीजिए, ठीक। तो जिम के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर जय और सीन में अलिफ जुड़कर सा, तो जय और सा, जैसा। आगे बढ़िए, कैसा, बिल्कुल उसी तरह लिखना है जिस तरह जैसा लिखे, बस काफ आ गया है, काफ से क और कै बनाने के लिए काफ के ऊपर ज़बर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। सा है, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। काफ का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, काफ का आधा भाग उठा लीजिए, काफ के ऊपर ज़बर है, बस ये जो बड़ी अपना शक्ल चेंज करेगी ऐसा आकर जुड़ जाएगी। और सीन का ये नुकीदार आधा भाग उठा लीजिए ऐसे और अलिफ जोड़ दीजिए सीन में, तो काफ के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर कै, सीन में अलिफ जुड़कर सा, कैसा। आगे बढ़िए, हैजा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए पहला अक्षर क्या है? हा को उर्दू में क्या कहते हैं? हे कहते हैं। हे से हा हो गया, है बनाने के लिए हे के ऊपर ज़बर लगाकर बड़ी जोड़ दीजिए, है हो जाएगा। और जा है, जौ, देखिए नीचे बिंदु वाला जा है तो इसको कहेंगे ज्वाद, ज्वाद से जौ हो गया, जा बनाने के लिए ज्वाद में अलिफ जोड़ दीजिए। हे जो है आप लोग जानते हैं अपना शक्ल चेंज करेगी और कैसा रूप ले लेगी, तो ऐसा रूप ले लेगी, ठीक। ये हो गया हे, हे के ऊपर क्या है? ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, ठीक है। और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके इसी हे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, तो हे के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर ये हो गया है। और ये जो ज्वाद है इसका आधा भाग इतना उठा लेना है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया ज्वाद में, अब ये जो अलिफ है ले जाकर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया है और ज्वाद में अलिफ जुड़कर जा, तो है और जा, हैजा। लेकिन इस तरह हैजा नहीं लिखा जाता, बस ये जो लास्ट वाला अलिफ है ना इसको मिटा दिया जाता है और इस अलिफ की जगह यहाँ पर हे रख दिया जाता है। तो ये होता है सही तरीके से उर्दू में हैज़ा, इस तरह सही तरीके से उर्दू में हैज़ा लिखा जाता है, ठीक। बस लास्ट में अलिफ नहीं रहेगा, जिस तरह यहाँ पर पैसा में लास्ट में अलिफ नहीं था, हे था, उसी तरह हैज़ा में लास्ट में अलिफ नहीं रहेगा, हे रहेगा, ठीक। आगे बढ़िए, थैला, थैला में सबसे पहला अक्षर क्या है? थे, था को उर्दू में क्या कहते हैं? सोचिए, जिस तरह टी से त और टी एच, टी में एक एच जोड़ देते हैं, टी एच से थ, उसी तरह उर्दू में ते से त होता है, मैं आप लोगों को बताई हूँ। और इसी ते में का आधा भाग मिटाकर, ते का आधा भाग मिटाकर और इसी में हे यानी कि एच जोड़ देते हैं, तो ते में एच यानी कि हे जुड़कर ये हो गया थ। लेकिन थे बनाने के लिए इसी थ के ऊपर ज़बर लगाकर बड़ी जोड़ दीजिए, थे हो जाएगा। और ला है, ला को उर्दू में क्या कहते हैं? लाम कहते हैं। और उसके बाद से इसी में अलिफ जोड़ दीजिए, ला हो जाएगा। अब जिस तरह ये थ लिखा है उसी तरह लिखिए फटाफट, ठीक। तो ये हो गया था, था के ऊपर क्या है? ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसे थे में आकर थ में आकर जुड़ जाएगी, ठीक। उसके बाद से लाम का आधा भाग उठा लेना है, ऐसे उठा लिए, लाम में बस ये जो अलिफ है ये अलिफ ले जाकर इसी लाम में ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए थ के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर थे और लाम में अलिफ जुड़कर ला, तो थैला, इस तरह थैला लिखा जाता है, ठीक। इसको थैली भी लिख सकते हैं आप लोग, बस ये लाम में अलिफ जुड़कर ला बना रहे थे, बस लाम के नीचे जेर और छोटी जुड़कर ली बना देंगे तो थैली हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, मैना, मैना लिखना हो तो सबसे पहला अक्षर क्या है? मैं, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं? मीम, मीम से माँ हो गया, मैं बनाने के लिए ज़बर जोड़कर बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। मीम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे,
फिर उसके बाद सेमीम के ऊपर जबर है, बस ये जो बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसे आकर जुड़ जाएगी। मैं हो गया नून का आधा भाग उठा लीजिए और इसमें अलिफ जोड़ दीजिए। तो देखिए मीम के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर मैं और नून में अलिफ जुड़कर ना, तो मैं ना। आगे बढ़िए फैला, फैला में पहला अक्षर क्या है, फ़ै। फ़ को उर्दू में क्या कहते हैं, जिस तरह पी से प और पी में एक एच जोड़ देते हैं पी एच से फ़, उसी तरह उर्दू में पे से प होता है और इसी पे का आधा भाग मिटाकर इसी पे में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो ये पे में एच जुड़कर फ हो जाता है। अब इसको फ़ै बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर दबा लगा कर बड़ी ये जोड़ देंगे तो फ़ै हो जाएगा। उसके बाद से ला है, ला उर्दू में क्या कहते हैं, लाम, और इसको ला बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर जिस तरह लिखा है फ उसी तरह लिख दीजिए फटाफट। ये हो गया आप लोगों का फ। फ के ऊपर क्या है, ज़बर है और बड़ी है, हम लोग लिख नहीं रहे हैं ज़बर, मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके आकर इसी में से जुड़ जाएगी। और लाम का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को, लाम का आधा भाग उठा लिया और ये जो अलिफ है इसी लाम में ऐसे आकर जुड़ जाएगा। तो देखिए फ के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर फ़ै और लाम में जुड़कर ला, फैला। आगे बढ़िए मैगी, मैगी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मीम से माँ हो गया, ठीक। मैं बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से गी है, गौ को उर्दू में गाफ कहते हैं। गी बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो गी में बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो गाफ के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, तो ये बड़ी वाली गी की मात्रा में ई की मात्रा में बदल जाएगा। ठीक, अब जोड़िए इन सबको, मीम का आधा भाग उठाना है, फटाफट उठा लीजिए। मीम के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी है ये अपना शक्ल चेंज करके आके मीम में जुड़ जाएगी। और ये जो गाफ है, गाफ का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है और गाफ के नीचे जेर तो है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो छोटी है आकर इसी में जुड़ जाएगी। तो मीम के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर मैं और गाफ के नीचे जेर और छोटी जुड़कर गी, तो मैं और गी, मैगी। आगे बढ़िए बैंक, बैंक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ब है सबसे पहला अक्षर, तो ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, बे से ब हो गया। ब बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी जोड़ दिए, उसके बाद से ऊपर बिंदु वाला न है, तो ऊपर वाले बिंदु, ऊपर के बिंदु वाले न को उर्दू में क्या कहते हैं, नून ही कहते हैं, तो नून लिख दीजिए। उसके बाद से क है, क को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। ठीक, अब इन सबको जोड़िए, बे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, बे का आधा भाग उठा लिए। ठीक, बे के ऊपर ज़बर है लेकिन हम लोग लिख नहीं रहे हैं, बस ये जो बड़ी है ले जाकर इसी बे में जोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद से नून का भी आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को और ये जो काफ है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो बे के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर बै, नून से ना और काफ से का, तो बैंक। ये हो गया आप लोग का बैंक। ठीक, आगे बढ़िए मैदा, मैदा में सबसे पहला अक्षर क्या है, मैं। माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, मीम से माँ हो गया। मैं बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी जोड़ दिए। दा है, दा को उर्दू में दाल कहते हैं, दा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। मीम का आधा भाग उठा लेना है फटाफट, मीम के ऊपर ज़बर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके जुड़ गई और ये जो दाल है पूरा का पूरा ले लीजिए और अलिफ ले जाकर दाल में जोड़ दीजिए। ठीक, तो मीम के ऊपर ज़बर और ये बड़ी जुड़कर मैं और दाल में अलिफ जुड़कर दा, मैदा। आगे बढ़िए, इसको मैदा इस तरह भी लिखा जाता है, मैदा इस तरह लिखा जाता है लेकिन इसी तरह सही माना जाता है, मैदा इसी तरह लिखिएगा। ठीक, कैंची, कैंची में सबसे पहला अक्षर क्या है, कै। क को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, काफ से क हो गया। कै बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी जोड़ दिए। उसके बाद से ची है, चौ को उर्दू में क्या कहते हैं, चे कहते हैं। ठीक, चे से तो च हो गया लेकिन हम लोग को क्या बनाना है, ची बनाना है। कौन सा वाला ई की मात्रा है ची में, तो बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो चे के नीचे जेर लगाकर छोटी ई जोड़ दीजिए, बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाएगा, है ना। तो देखिए काफ का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, काफ के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे आकर काफ में जुड़ जाएगी। उसके बाद से एक मिनट, ऊपर बिंदु वाला न भी था ना, काफ के ऊपर, काफ के ऊपर ज़बर लगाकर बड़ी ये जुड़कर कै और उसके बाद से ऊपर बिंदु वाला न, तो भूल ही गई, यहाँ पर आप लोग को प्लस में नून भी कर देना है, नून से न, ऊपर वाला बिंदु वाला न। ठीक है, तो काफ के ऊपर ज़बर जुड़कर और काफ के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर ये हो गया कै, उसके बाद से ऊपर बिंदु वाला न है, क्या कहते हैं उर्दू में उसको, नून कहते हैं, तो नून का जो है ना आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, तो ये हो गया आप लोग का नून से न। उसके बाद से चे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, और चे के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो छोटी है ले जाकर इसी चे में जोड़ दीजिए। तो काफ के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर कै, नून से न, और चे के नीचे जेर और बड़ी छोटी जुड़कर ची, तो कै और ची, कैची। ठीक है, आगे बढ़िए हैप्पी, हैप्पी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हे से ह होता है, है बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। और पी है, प को उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं। पी बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो पे के नीचे ज़ेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, बड़ी वाली पी यानी कि ई की मात्रा में बदल जाएगा। ठीक है, हे आप लोग जानते हैं अपना शक्ल चेंज करेगी दूसरे अक्षर में जुड़ेगी, तो हे अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले ली, हे के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके इसी हे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक, उसके बाद से
पे है, पे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है। पे के नीचे जेर है लेकिन हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो छोटी है ले जाकर जोड़ दीजिए। तो देखिए है के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर है, और पे के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर पी, तो है और पी है पी। आगे बढ़िए, बस इसी तरह आप लोग को इन सभी शब्दों को भी आसानी से उर्दू में लिख लेना है। आई थिंक आप लोग को इतना से तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे उर्दू में लिखा जाए ए मात्रा वाले शब्दों को। तो इतना शब्दों को तो आप आसानी से लिख पाएंगे अपने ही मन से। चलिए इतना भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं अभी सबको, ठीक, क्योंकि इतना तो हम लोग को प्रैक्टिस हो ही गया कि कैसे उर्दू में हम लोग लिखें। अब इसको हम लोग फटाफट करेंगे, ठीक। देखिए बैठ, ब है, ब को उर्दू में बे कहते हैं। ए बनाने के लिए, बे बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी जोड़ दीजिए। उसके बाद ठ है, ठ को उर्दू में जिस तरह टे से टी से ट और टी में एच जोड़ देते हैं टी एच से ट, उसी तरह उर्दू में टे से ट होता है और टे का आधा भाग मिटाकर और इसी टे में एच यानी कि हे जोड़ दिया जाता है तो ठ हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का बैट। कैसे लिखेंगे जोड़ दीजिए फटाफट। बे का आधा भाग उठाना है, बे का आधा भाग उठा लिए, बे के ऊपर जबर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके बे में ऐसे जुड़ जाएगी और ये जो ठ है पूरा का पूरा आकर ऐसे इसी में जुड़ जाएगा, ठीक। तो देखिए बे के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर बै और ये ठ जो है पूरा का पूरा आकर इसी में जुड़ गया तो ठ, तो बैठ। कितना आसानी से बैठ भी लिखा गया। अगला शब्द है कैदी। कैदी में सबसे पहला अक्षर क्या है, कै। क को उर्दू में काफ कहते हैं। कै बनाने के लिए जबर जोड़कर बड़ी ये जोड़ दिए। उसके बाद से दी है, द को उर्दू में दाल कहते हैं। कौन सा वाला ई की मात्रा है दी में, तो बड़ी वाली ई की मात्रा है तो दाल के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, बड़ी वाली दी की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से अब इन सबको जोड़िए। काफ का आधा भाग उठाना है, उठा लीजिए, काफ के ऊपर जबर है, हम लोग मन में मान रहे बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके काफ में ऐसे आकर जुड़ गई और ये जो दाल है पूरा का पूरा ऐसे ले जाकर जोड़ दीजिए। दाल के नीचे हम लोग जेर मान रहे हैं और उसके बाद से ये जो बड़ी है इसी दाल छोटी है दाल में आकर ऐसे चिपक जाएगी। तो काफ के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर कै और दाल के नीचे जेर और छोटी जुड़कर दी, तो कै और दी, कैदी, ठीक है। एक मिनट, कैदी कैदी रहेगा ना, नहीं इस तरह नहीं लिखा जाता है, एक मिनट एक मिनट। काफ कैदी में ना जो है ना काफ के नीचे ये जो है ना कौ के नीचे बिंदु रहेगा, याद रखिएगा। तो नीचे वाले बिंदु वाले कौ को क्या कहते हैं, नीचे बिंदु वाले कौ को ये वाला काफ कहते हैं, याद रखिएगा। नॉर्मल कौ को ये वाला काफ कहते हैं लेकिन नीचे वाला बिंदु काफ रहे बिंदु वाला काफ रहेगा ना, तो इसको ये वाला कौ कहते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कौ के नीचे बिंदु रहेगा यहाँ पर कैदी में, ठीक है। तो कौ के नीचे बिंदु है तो इसका काफ हो गया, काफ से कौ, लेकिन कै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी जोड़ दिए। उसके बाद से दी है, द उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं, और दी बनाने के लिए जेर लगाकर छोटी जोड़ दीजिए तो ये बड़ी वाली दी की मात्रा में बदल जाएगा। अब जोड़िए इसको, काफ का आधा भाग आप लोग को उठाना है ऐसे, काफ के ऊपर जबर है, ठीक, और ये जो बड़ी है बस ऐसे आकर अपना शक्ल चेंज करके काफ में जुड़ जाएगी और दाल का पूरा भाग पूरा जिस तरह दाल लिखा है उसी तरह लिख देना है और दाल के नीचे क्या है जेर है, बस ये जो छोटी है ले जाकर दाल में ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए काफ के ऊपर जबर और बड़ी ये जुड़कर कै और दाल के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर दी, तो कै और दी, कैदी, ठीक। आगे बढ़िए, नैन। नैन लिखना है तो सबसे पहला अक्षर क्या है, नै। न को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। नून से ना हो गया, नै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से फिर से ना है, न को उर्दू में नून, ठीक। अब इसको तो जोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है, नून का आधा भाग उठा लेना है, नून के ऊपर क्या है जबर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेगी और नून में जुड़ जाएगी, है ना। फिर ये जो नून है पूरा का पूरा ले जाकर जोड़ दीजिए, तो नून के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर नए और नून से ना, ये हो गया नैन। आगे बढ़िए, शैली। शैली में सबसे पहला अक्षर क्या है, शय। शय शौक उर्दू में क्या कहते हैं, शीन कहते हैं, बड़ी वाली शीन, और उसके बाद से शय बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी जोड़ दीजिए। उसके बाद से ली है, लौक उर्दू में लाम कहते हैं, बड़ी वाली ली की मात्रा है, ई की मात्रा है ली में, तो क्या करेंगे लाम के नीचे जेर लगाकर छोटी जोड़ देंगे। शीन का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, शीन का आधा भाग उठा लिए, ठीक, शीन के ऊपर जबर है, बस ये जो बड़ी है ले जाकर इसी में जोड़ दीजिए, ठीक। और लाम का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है और लाम के नीचे जेर है, हम लोग मन में मान रहे हैं बस ये जो छोटी है इसी लाम में जोड़ दीजिए। तो देखिए शीन के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर शय और लाम के नीचे जेर और छोटी जुड़कर ली, तो शय और ली, शैली। आगे बढ़िए, पैनी। पैनी का मतलब होता है पैनी नज़र से, ठीक है। तो देखिए पैनी में सबसे पहला अक्षर क्या है, पै। पौक उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं, और उसके बाद से पै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी जोड़ दीजिए। नी है, नौ उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, ठीक, और उसके बाद से नून से ना हो गया, नी बनाने के लिए ई की मात्रा में बदलने के लिए, देखिए कौन से वाले ई की मात्रा है, तो बड़ी वाली ई की मात्रा है तो नून के नीचे जेर लगाकर छोटी जोड़ दीजिए, तो ये जो नून है बड़ी वाली नी यानी कि ई की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक। अब इन सबको जोड़िए, पे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, पे के ऊपर क्या है, जबर है, है ना, बोलते बोलते मेरा गला सूख गया है लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं है, पे के ऊपर क्या है, जबर है, और उसके बाद से ये जो बड़ी ये है क्या कर, ये बड़ी ये अपना शक्ल चेंज करेगी और आकर
ऐसे जुड़ जाएगी। तो पे के ऊपर ज़बर हम लोग मान रहे हैं, तो पे के ऊपर ज़बर और बड़ी है जुड़कर पै, और नून का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है। नून के नीचे ज़ेर है, हम लोग मन में मान रहे हैं बस ये जो छोटी है आकर नून में से जुड़ जाएगी। तो ये हो गया आप लोग का पै और नून के नीचे ज़ेर और छोटी है जुड़कर नहीं, तो पै और नी, पै नी। आगे बढ़िए जैम। जैम में सबसे पहला अक्षर क्या है? जय, जो आप उर्दू में जिम कहते हैं। उसके बाद से जय बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी है जोड़ दीजिए, जय हो जाएगा। मौ उर्दू में मीम कहते हैं, ठीक है। जिम का आप लोग को आधा भाग उठा लेना है, जिम का आधा भाग उठा लिए और जिम के ऊपर क्या है? ज़बर है, बस ये जो बड़ी है ले जाकर आप लोगों को इसे जिम में जोड़ देना है। तो जिम के ऊपर ज़बर और बड़ी है जुड़कर जय, और बस ये जो मीम है ले जाकर इसे जोड़ दीजिए इसी में। तो ये हो गया आप लोग का जैम। आगे बढ़िए टैक्स। टैक्स लिखना है तो आप लोग को क्या करना है, इसमें ढाई अक्षर है, ठीक है। टैक्स ये है ट और स, दो अक्षर, और ये आधा क है तो ढाई अक्षर, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे? टै में सबसे पहला, टैक्स में सबसे पहला अक्षर है टै, टॉक उर्दू में टे कहते हैं। तो लिख दीजिए टे से टॉ हो गया। टै बनाने के लिए इसके ऊपर ज़बर लगाकर बड़ी है जोड़ दीजिए, टै हो जाएगा। क है आधा क, तो पूरा क को उर्दू में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। तो आधा क को काफ का भी आधा भाग आप लोग ऐसे काट दीजिए, बस इतना ही रखिए, ठीक है। तो आधा क को उर्दू में क्या कहते हैं? आधा काफ, ठीक। आधा काफ ऐसे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से स है, स को उर्दू में क्या कहते हैं? सीन कहते हैं। बस जोड़ दीजिए फटाफट। टे जिस तरह लिखा है, टे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है। टे का आधा भाग उठा लिए, टे के ऊपर क्या है? ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी में आकर जुड़ जाएगी। और ये जो काफ है, काफ का आधा भाग, जिस तरह काफ का आधा भाग लिखा है उसी तरह लाकर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। और ये जो सीन है पूरा का पूरा लास्ट में ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। तो टे के ऊपर ज़बर और बड़ी है जुड़कर टै, और काफ से क और सीन से सा। तो ये हो गया आप लोग का टैक्स, ठीक। आगे बढ़िए डैडी। डैडी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ड है सबसे पहले, तो डै को डॉ उर्दू में क्या कहते हैं? डाल कहते हैं। डाल से ड हो गया। डै बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी है जोड़ दिए। उसके बाद से फिर डी है, ड को उर्दू में डाल, और डी बनाने के लिए बड़ी वाली की मात्रा है ना, तो इसके नीचे ज़ेर लगाकर छोटी है जोड़ दीजिए, बड़ी वाली डी की ई की मात्रा बदल जाएगी, ठीक है। अब इन सबको जोड़िए। डाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। डाल के ऊपर क्या है? ज़बर है, ठीक। हम लोग मन में मान रहे हैं बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसे शक्ल बनाकर डाल में आकर ऐसे चिपक जाएगी, ठीक। उसके बाद से फिर ये जो डाल है इसी ये में आकर जुड़ जाएगा, और डाल के नीचे ज़ेर है, हम लोग मन में मान रहे हैं बस ये जो छोटी है आकर इसी में चिपक जाएगी, ठीक है। तो देखिए, डाल के ऊपर ज़बर और बड़ी है जुड़कर डै, और डाल के नीचे ज़ेर और छोटी है जुड़कर डी, तो डै और डी, डैडी। आगे बढ़िए मैला। मैला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मैं है, मौ उर्दू में क्या कहते हैं? मीम कहते हैं। मैं बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी जोड़ दीजिए। ला है, लौ उर्दू में लाम, अलिफ लगाकर ला बना दीजिए। मीम का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है। मीम के ऊपर ज़बर है, बस ये जो बड़ी है शक्ल चेंज करेगी, और लाम का आधा भाग और अलिफ जोड़ दीजिए। तो ये हो गया मीम के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर मैं, और लाम के अलिफ जुड़कर ला, तो मैला। आगे बढ़िए कैसे। कैसे लिखना हो तो पहला अक्षर क्या है? कै। का उर्दू में क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। काफ से क हो गया। कै बनाने के लिए बड़ी जोड़ दीजिए। स है, से। सौ उर्दू में सीन कहते हैं। से बनाने के लिए यहाँ पर क्या है? ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस अक्षर के नीचे ज़ेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देते हैं, तो वो ए की मात्रा में बदल जाता है, ठीक है। अक्षर के ऊपर अगर ज़बर लगाकर बड़ी ये जोड़ते हैं तो वो ए की मात्रा में बदलता है, और अगर अक्षर के नीचे ज़ेर लगाकर बड़ी ये जोड़ते हैं तो वो ए की मात्रा में बदलता है, ठीक। तो कैसे, ऐसे इन सब को जोड़िए फटाफट। आप लोग कैसे भी लिख लेंगे। देखिए, काफ का आधा भाग आप लोग उठाना है, उठा लीजिए। काफ के ऊपर क्या है? ज़बर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसे आकर जुड़ जाएगी। सीन का नुकीदार आधा भाग उठा लेना है ऐसे, ठीक। सीन के नीचे ज़ेर है, मन में मान रहे हैं हम लोग बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे आकर सीन में जुड़ जाएगी। तो काफ के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर कै, और सीन के नीचे ज़ेर और बड़ी जुड़कर से, तो कै और से, कैसे, ठीक। आगे बढ़िए जैसे। जिस तरह कैसे लिखे उसी तरह जैसे भी लिखेंगे आप लोग। जय है सबसे पहला अक्षर, जय। तो जय उर्दू में क्या कहते हैं? जिम। जय बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी जोड़ दीजिए। उसके बाद से है, सौ उर्दू में सीन कहते हैं। से बनाने के लिए क्या करेंगे? इस सीन के नीचे ज़ेर लगाकर बड़ी ये जोड़ देंगे, तो ये एक ही मात्रा में बदल जाएगा, से हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, जिम का आधा भाग आप लोग उठा लेना है। जिम का आधा भाग उठा लिए। जिम के ऊपर क्या है? ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं बस ये जो बड़ी अपना शक्ल चेंज करके और ऐसा रूप ले लेगी, ठीक। और ये जो सीन का नुकीदार आधा भाग उठा है, उठा लेना है पटापट ऐसे। सीन के नीचे क्या है? ज़ेर है, हम लोग मन में मान रहे हैं बस ये जो बड़ी है अगर इसी सीन में ऐसे जुड़ जाएगी। तो जिम के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर जाए, और सीन के नीचे ज़ेर। एक मिनट, यहाँ पर चार ठो तीन ठो नुकी रहता है ना, एक दो तीन, तो ये यहाँ पर मैं चार नुकीदार पार्ट दे देती। एक मिनट, एक दो तीन, ध्यान रहे ये जो नोक है ना, तीन ठो ही आप लोगों को निकालना है, नहीं तो चार ठो निकाल देंगे तो फिर गलत हो जाएगा।
तीन टो, एक दो और तीन, और उसके बाद से बड़ी ए जोड़ दीजिए। तो देखिए जिम के ऊपर ज़बर और बड़ी ए जुड़कर जय, और सिन के नीचे जेर और बड़ी ए जुड़कर से, तो जय और से, जैसे। आगे बढ़िए मैंने। देखिए मैंने कैसे लिखा जाता है ये ध्यान से सुनिए। मैं यानी कि मैं में सबसे पहले मैं लिख दीजिए। मैं को उर्दू में क्या कहते हैं? मीम कहते हैं। मीम से तो माँ हो गया, ऊपर लगाकर ज़बर और बड़ी ए जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा मैं। लेकिन मैं लास्ट में नून टाइप का आ रहा है ना, मैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सिर्फ उसको, मतलब मैं बनाने के लिए ना सिर्फ आप लोग को ऐसे जोड़ देना है, ये जो नून है, नून ऐसे लिखा जाता है ना, बस बीच में ये बिंदु नहीं रहेगा, सिर्फ आप लोग को मैं बनाने के लिए इस तरह आप लोग को जोड़ देना होगा। और ने है, नौ को उर्दू में क्या कहते हैं? नून कहते हैं, नून से ना हो गया, और ने बनाने के लिए इसी नून के नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देंगे, तो ये ने हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको जोड़कर मैं बनाइए, ठीक है। मीम का आधा भाग उठाइए, मीम का आधा भाग, मीम के ऊपर क्या है? ज़बर है, बस ये जो बड़ी अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी मीम में आकर जुड़ गई, और ये जो बड़ी, ये जो नून है ये ऐसे नून होता है, ठीक है, लेकिन बस बीच में का बिंदु हम लोग को हटा लेना है, तो ऐसे हो जाएगा, तब इसको पढ़ा जाएगा मैं। ये क्या पढ़ा जाएगा? मैं, ठीक है। लास्ट में नून टाइप का आ रहा है, तो उस जब इस तरह का आता है ना, तो यही नून का हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा मैं। और उसके बाद से नून का आधा भाग उठा लेना है, नून के नीचे जेर ऐसे जोड़ दीजिए, नून के नीचे जेर है और बस ये जो बड़ी है ले जाकर जोड़ देना है, तो ये हो गया मैं और ये हो गया ने, मैंने। तो इस तरह लिखा जाता है मैंने। आगे बढ़िए पैसे। पैसे में सबसे पहला अक्षर क्या है? पै। पौ उर्दू में क्या कहते हैं? पे कहते हैं, ठीक है। और पै बनाने के लिए ज़बर लगाकर बढ़िए जोड़ दीजिए। से है, सौ उर्दू में सीन कहते हैं, से बनाने के लिए सीन के नीचे जेर लगाकर बढ़िए जोड़ दीजिए। पे का आधा भाग आप लोग को उठाना है, पे का आधा भाग उठा लिए। पे के ऊपर क्या है? ज़बर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप ले लेगी, और उसके बाद से सीन का तीन नोकीदार पार्ट उठा लेना है आधा भाग, ठीक है। और ये हो गया सीन के नीचे जेर है, हम लोग लिख नहीं रहे हैं, बस ये जो बड़ी आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो पे के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर पै, और सीन के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर से, तो पै और से, पैसे। उसी तरह कैसे लिखिए? काफ से क होता है, कै बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी जोड़ दीजिए। उसके बाद से है, सौ उर्दू में सीन कहते हैं, से बनाने के लिए एक ही मात्रा में बदलने के लिए सीन के नीचे जेर लगाकर बड़ी जोड़ दीजिए फटाफट। काफ का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, उठा लीजिए। और काफ के ऊपर क्या है? ज़बर है, और ये जो ज़बर हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, बस ये जो बड़ी आकर जुड़ जाएगी। सीन का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, सीन के नीचे क्या है? जेर है, लेकिन ये जो बड़ी है पूरा का पूरा आकर ऐसे जुड़ जाएगी, ये बड़ी है, ठीक है। तो काफ के नीचे, काफ के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर कै, और सीन के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर से, तो कै और से, ठीक, कैसे, ठीक। तो इतने सारे दो अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीख गए। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी भी उर्दू के अक्षर को ए की मात्रा में बदला जाए, और कैसे दो अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को लिखा जाता है उर्दू में, और कैसे पढ़ा जाता है। तो आप लोग अब खुद से भी उर्दू के शब्दों को लिख सकते हैं आसानी से। तो अब आप लोग का होमवर्क यही है कि आप लोगों को अपने मन से दो अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को सबसे पहले हिंदी में लिखना है, और फिर आप लोगों को उसको उर्दू में लिखकर और पढ़कर प्रैक्टिस करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। अपने मन से जितना, आप तो अब हज़ारों लाखों शब्द क्रिएट कर सकते हैं दो अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्द, ठीक है। तो आप लोग खुद से ये कीजिए, आई थिंक आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दे अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और चारों तरफ शेयर कर दे अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा उसे को ना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटे को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।